रुक जा यार, पता नहीं कौन सा फ्लैट है, क्या है। अरे दीदी, जीजू को बुलाओ ना, उन्हें पता होगा कहाँ है जीजू। क्या जीजू जीजू लगा रखा है, उसी की वजह से तो सब हो रहा है। रुक जा, मैं अंकल जी को फोन कर लूँ। शर्मा अंकल, हाँ हेलो, हाँ हाँ नमस्ते अंकल जी। हाँ कौन सा नंबर बताया था आपने फ्लैट? 9 नंबर। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, हाँ हम बाहर ही खड़े हैं, पिछली बार की तरह तो नहीं हो जाएगा? चलो ठीक है, हाँ हाँ चल 9 नंबर बोल रहे हैं। ये साला 6 नंबर को कहाँ चिपकाएं बे? चिपकाएं तो चिपकाएं कैसे? यही फ्लोर तो बताया था अंकल जी ने, है ना? बताया तो यही था, पर अब क्या करना है? करना क्या है, 9 नंबर ढूंढ कहाँ है। 9 नंबर, ये तो 9 नंबर। पागल, यहाँ देख जीजू। मैं भी आ रहा हूँ। इसे क्या हो गया? मुझे क्या पता, तुम्हारा पति है। चलो अरे यार, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे, और ये पागल कहाँ गया? क्या पागल? उस घर में भूत रहते थे, इस घर में पागल रहते हैं, न जाने कैसे कैसे घर ढूंढती है ये। अरे नहीं, मेरा मतलब वैसे पागलों की बात नहीं कर रही हूँ, तेरे जीजू की बात कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया, सिर्फ आवाज ही आ रही है, इनविजिबल हो गया अंधेरे में। हाँ कह तो सही रही है, बट पहले इस घर की लाइट ऑन कर। हाँ स्विच ढूंढ, लाइट ढूंढ, कहाँ से चलेगी, कहाँ है ये स्विच? अबे मिली क्या? अरे मिल गया मिल गया। क्या जीजू? स्विच। और तुझे बड़े जीजू की पड़ी है? कहाँ है ये? वो देख जीजू कितने प्यारे लग रहे हैं सोते हुए, कितने मासूम से है ना। ये प्यारा लग रहा है तेरे को? प्यारा लग रहा है? लापरवाह इंसान, पता नहीं कैसे सोया हुआ है यहाँ पे। पता नहीं क्या सोच के मेरे माँ बाप ने इससे शादी कर दी, क्या देखा इसमें। तुझे ही तो पसंद था पहले, हाँ सरकारी नौकरी। ओ दीदी, दीदी क्या है? नहीं 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 कुछ नहीं, मैं तो बस सोने जा रही थी। अब कर लो, मैं चलती हूँ।
শুধু যে তোমার আমি যে তোমার শুধু যে তোমার জিন্দা রহে গি ওকে सांसों में तेरी सरगमे है अब रात जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है मेरे ख्याल में हर पल अब क्या करें मैं क्या करूं मुझे क्या पता आप क्या करें पहले तो वो चुड़ैल तेरे अंदर थी और अब मेरे प्यारे जीजू में आ गई है मेरे जीजू क्या जीजू जीजू लगा रखा है उसी की वजह से सब हो रहा है करे तो करे क्या ये भूत तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है ना वहां पे ना यहाँ पे सही कह रही है एक काम कर तू फोन लगा उस बाबा को नहीं नहीं मैं क्यों फोन लगाऊं तू फोन लगा मैं क्यों लगाऊंगी तू लगा तेरे जीजू है ना तो तेरे भी तो पति है तू लगा प्लीज यार लगा ले नहीं तू लगा यार तू लगा अच्छा एक काम करते हैं दोनों लगाते हैं ठीक है जीजू को बचा लेंगे ना हम चुप कर हेलो बाबा की जय हो बाबा की जय हो जय हो बाबा की जो मेरी बात ना माने लोटे में कर लूं बन अरे बाबा वो हुआ ये कि हम लोग उस घर से इस घर में आए और यहाँ पे ना हमारे को भूत परेशान कर रहे पीछे पड़ गए मेरे पति के अंदर आ गया मेरे शिशु के अंदर आ गया मैं अपने चेले को भेज रहा हूँ वो तुम्हारे कष्टों का निवारण करेगा हाँ थैंक यू हाँ ठीक है वेट करते हैं चल चल देखते मैं हूँ बाबा बर्फानी कैद कर दूँ उस चुड़ैल को जिसने मेरी बात ना मानी हो सोने दोनों क्या कर रहे हो पता नहीं क्या होगा उस घर में भूत इस घर में भूतों से परेशान हो चुकी हूँ मैं बस ये बाबा कुछ कर ले भगवान कुछ तो करो जा चुड़ैल तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे अरे यार मुझे बचा ले यार वो मेरी इज्जत लूट रहा है कौन यार वो बाबा आपकी इज्जत अरे हाँ मेरी इज्जत कैसे लूटेगा पर ये मैंने साड़ी क्यों पहन रखी है अरे वो बते चुड़ैल नहीं छोड़ूंगा तुझे ऐसा है ना मुझे लग रहा है भूत इसके अंदर नहीं आपके अंदर है ठर गई बाबा लड़की देखी नहीं कि हाथ पकड़ने आ गया है मैंने इसके अंदर की भूतनी को इसके अंदर कैद कर दिया है अब क्या करें इसका इसका कुछ नहीं करना बस आप इसका ध्यान रखो मैं इसको कहीं दफना के आया अभी आया क्या हो गया